हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को आए दिन जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया है, जिससे प्रदेश के हर परिवार की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति और एक एक परिवार की पहचान की जाती है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सभी राज्यों के लिए मिसाल बना परिवार पहचान पत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का सशक्त माध्यम पीपीपी। परिवार पहचान पत्र से कार्य प्रणाली में आई पारदर्शिता, अब लोगों को आसानी से मिलेगा योजनाओं का लाभ। योजनाओं को लागू करने में प्रशासन को मिले सुविधा। हरियाणा देश का एक ऐसा प्रांत है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय परिवार का कल्याण सबसे पहले हो, कि लोगों की जिंदगी को आसान कैसे बनाना, ईज ऑफ लिविंग अंग्रेजी में उसको कहते हैं, कि सरल कैसे करना ताकि लोगों को जो रोज रोज की परेशानियां रहती हैं, छोटे छोटे सरकारी काम के लिए दौड़ते रहते हैं, कहीं जिले में विधायक जाते हैं, कहीं गुड़गांव जाते हैं, कहीं चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं किसी और शहर में पहुंचना पड़ता है। हमने कहा भी ये भागदौड़ जो लोगों की लगी हुई है इसको कम करो, एक सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम में से लोगों के काम घर बैठे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के अंदर सीएससी सेंटर, या है ना सीएससी सेंटर, उस सीएससी सेंटर पर जाओ, अपना ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा, घर बैठे आपके पास जानकारियां मिलेंगी, जो पूछना होगा टेलीफोन से आपसे पूछ लेंगे, और आपके काम में कितनी सुविधा सरलता हम कर सकते हैं इसके लिए बहुत से सिस्टम बनाए। अगर मैं कुछ उन्हें गिनता हूं तो एक ये गिनूंगा कि हमने एक फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र ये बनाया है। इस परिवार पहचान पत्र के दो फायदे बता रहा हूं। एक फायदा तो जो सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो पेंशन की है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की है, चाहे राशन कार्ड की है, चाहे और भी किसी प्रकार की कोई हमने छोटी मोटी जरूरत पूरी करनी है, मुआवजा है, खामियाजा है, स्कॉलरशिप है, फीस माफी है, सब इसके साथ जुड़ गई है। अब कोई भी सेवा सरकार की आपको लेनी है तो फैमिली आईडी आपको बताना होगा। फैमिली आईडी नहीं है तो कोई भी अधिकारी आपको कहेगा नहीं नहीं पहले फैमिली आईडी बनवा के आओ फिर आ जाओ, क्योंकि हमारी पहचान तो चाहिए ना, हम किस गांव के हैं, हमारा परिवार क्या है, कितना है, आखिर इसका हिसाब नहीं रखेंगे तो फिर कल को जिनके लिए कोई स्कीम बनती है उसको तो मिलती नहीं है, और कोई भी आकर के उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, ले जाएगा। हमने हिसाब बना लिया कि जिसके लिए है उसी को मिले, दूसरे को नहीं। तो इसलिए जो स्कीमें हैं उसका फायदा भी आपको तब मिलेगा जब फैमिली आईडी बनेगी। और एक दूसरा फायदा, गांव को हम ग्रांट भेजते हैं सरकार की, सेंटर भी भेजता है, हम भी भेजते हैं, और वो अभी आबादी को देख के भेजते हैं। 2 से लेकर 2500 रुपए तक कुल ग्रांट आती है एक आदमी के पीछे। अगर मानो 100 आदमी हमने नहीं दिखाया इसमें परिवार पहचान पत्र में, तो ये मान के चलो कि 2.5 लाख आबादी, 2.5 लाख रुपया 100 आदमी के पीछे ग्रांट कम हो जाएगी। अगर सबकी होगी तो ग्रांट पूरी आ जाएगी, वरना एक आध गली का जो बनाने का पैसा है वो इस कारण से ही कम हो जाएगा कि आपने फैमिली आईडी नहीं बनवाई। तो फैमिली आईडी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए ना? परिवार पहचान पत्र से जहां सरकारी योजनाओं को लागू करने में प्रशासन को सुविधा मिली है, वहीं प्रदेश की जनता भी इस योजना का भरपूर लाभ उठा रही है। हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र योजना चलाई है ये बहुत ही अच्छी योजना है और ये हर आम नागरिक के लिए फ़ायदेमंद है, और इसका ज़्यादातर लाभ जो है जो लोग पहले सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते थे, जिनके जूते घिस जाते थे, उनके काम नहीं होते थे, उसके लिए बहुत अच्छा काम है, और इसका अभी धीरे धीरे सभी को इसके फ़ायदे का पता लग जाएगा। और मैं सबसे ज़्यादा तो मनोहर लाल
सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये फैमिली पहचान पत्र योजना जिन्होंने चलाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। परिवार पहचान पत्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हर एक आदमी को लाभ मिल रहा है। कोई भी स्कीम पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पर परिवार पहचान पत्र आने के बाद उनको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। आजकल सभी के साथ सभी के पास नेट की सुविधा है, मोबाइल फ़ोन है, अपना उस सरल आईडी ऐप पे उसको खोल के जब मर्जी अप्लाई कर सकता है। परिवार पहचान पत्र से सिर्फ उसका ओटीपी आना है, ओटीपी आने के बाद ऑटोमेटिक वो स्कीम अप्लाई कर सकता है कोई भी। सरकार द्वारा ये परिवार पहचान पत्र की योजना चलाई गई है, ये बहुत ही एक अच्छी योजना है सरकार का। ये एक जो कदम है बहुत ही अच्छा कदम उठाया हुआ है। इसमें जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है, पहले बुढ़ापा पेंशन के लिए लोगों को दफ्तरों के कहीं भी जगह मतलब के अपने कागज पत्र लेकर इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसके जरिए परिवार पहचान पत्र के जरिए जब किसी जो पात्र व्यक्ति होता है 60 साल की उम्र हो जाती है तो ऑटोमेटिक इसकी पेंशन लग जाती है। वहाँ से ऑफिस से जो समाज कल्याण ऑफिस है वहाँ से खुद जो पात्र होता है उसके पास कॉल आती है, कॉल के जरिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर जमा करा दें। तो ये बहुत ही अच्छी जो योजना सरकार ने चलाई है, ये बहुत ही लाभदायक है। दीपक है, हमारा PPP कार्ड बना हुआ है, हमारा BPL कार्ड बना हुआ है, हमारी 1,40,000 रुपये इनकम है, हमारा आयुष्मान भी बना हुआ है और हमें BPL की तरफ से हमें गेहूँ चीनी सभी चीज़ मिलने लग रही है। काफ़ी फायदा है। काफ़ी फायदा है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसी सरकार दोबारा आए और ऐसे ही ये जो स्कीम आने लग रही है दोबारा चलते ही रही। परिवार पहचान पत्र योजना के लाभ, परिवार पहचान पत्र से पेंशन मिलने में होगी आसानी, अलग अलग सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में होगी सुविधा, सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में सहायक। परिवार पहचान पत्र भ्रष्टाचार में कमी सुनिश्चित करेगा, सरकार और नागरिकों के बीच आएगी बेहतर पारदर्शिता। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याण के लिए शुरू की गई परिवार पहचान पत्र की पहल आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। इस योजना से जहां कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। हरियाणा सरकार ने योजनाओं का लाभ देने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। परिवार पहचान पत्र की मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक इकाई माना गया, इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार की यूनिक ID बनाने का फैसला लिया गया, जिसके आज सकारात्मक परिणाम भी धरातल पर देखने को मिल रहे हैं और इससे प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।